एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फनी चटेक की वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये दो ऑटो हिंजिस है। दोनों ऑटो हिंजिस अलग अलग टाइप से वर्क करते हैं। एक है मेरे पास सॉफ्ट क्लोज और एक है हमारे पास सेल्फ क्लोज। इन दोनों का पर्पज क्या है, किस तरीके से यूज किया जाता है, और अक्सर आप देखते हैं आपके फर्नीचर में अभी के टाइम ऑलमोस्ट 95% इस टाइप के ऑटो हिंजिस को बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी फर्नीचर बना हुआ है तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर भी इस टाइप का ऑटो हिंजिस लगा हुआ होगा। अगर आप फर्नीचर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो भी कारपेंटर या कहीं से वर्कशॉप मेड रेडीमेड फर्नीचर भी खरीदेंगे तो भी आपको कंपलसरी ये वाला ऑटो हिंजिस देखने को मिल जाएगा। हमारा जो टॉपिक है कि हमको अपने फर्नीचर के अंदर सेल्फ क्लोज का बेनिफिट ज्यादा देखने को मिलेगा या सॉफ्ट क्लोज का बेनिफिट ज्यादा देखने को मिलेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है दोनों में, हमको कौन से वाला यूज करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है तो क्या हमको उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के बाद मतलब अपग्रेड कर सकते हैं। तो इन सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और देखते रहें फर्नीचर टेक। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी तरीके आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। आप देख सकते हैं सेल्फ क्लोज और सॉफ्ट क्लोज दोनों का वर्क किस तरीके से होता है आप यहाँ पर देखिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली डोर के अंदर भी आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं, जूम करना, ये देखिए सॉफ्ट क्लोज में हमारा जो ऑटो हिंजिस है वो बहुत ही सॉफ्ट क्लोज तरीके से क्लोज हो रहा है, मतलब एक तरीके से ये हमारा ऑटो हिंजिस स्लोमो में वर्क कर रहा है। और ये है हमारा सेल्फ क्लोज जिसके कारण आप देख सकते हैं इस तरीके की नॉइज आएगी। यहां पर दोनों में अंतर तो आपको पता ही चल गया होगा कि सेल्फ क्लोज में हमको बहुत ज्यादा नॉइज देखने को मिलती है और सॉफ्ट क्लोज में हमारा जो डोर है जहां पर भी हमारा ये ऑटो हिंजिस लगा हुआ है तो वो हमारा जो डोर है वो धीरे धीरे वर्क करता है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। अब यहां पर दो डोर है आप देख सकते हैं, अब आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लीज कंप्लीट देखिए, फिर से आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर आपको फर्क बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, तो फर्क तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेल्फ क्लोज और सॉफ्ट क्लोज में क्या डिफरेंस है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस में सिर्फ 30-40% का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सॉफ्ट क्लोज ऑटो हिंजिस 150 रुपए का एक प्रीमियम क्वालिटी है तो 100 रुपए का हमारा सेल्फ क्लोज एक प्रीमियम क्वालिटी में मिल जाएगा। हालांकि और भी सस्ते आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अननोन ब्रांड में और भी सस्ते मिल जाएंगे सेल्फ क्लोज और सॉफ्ट क्लोज। अब दूसरी बात यह है कि अगर हमारे यहाँ पर ऑलरेडी ऑटो हिंजिस लगा हुआ है, कौन से वाला, सेल्फ क्लोज ये वाला, तो क्या हम इसको सॉफ्ट क्लोज में अपग्रेड कर सकते हैं? तो जी हाँ, अभी मैंने फिलहाल आपको वीडियो बनाने के लिए ये काम किया है। यहाँ पर दोनों डोर के अंदर मेरे दोनों में सेल्फ क्लोज लगा हुआ था तो मैंने इसको यहां से चेंज किया है। आप देख सकते हैं यहां पर दो नट यहां पर दिख रहे हैं और 2 से 3 या 4 नट यहां पे हो सकते हैं। तो इसको निकालो, दूसरा ऑटो हिंजिस यहां पर लगाओ और आपका वर्क चालू हो जाएगा। अगर आपके पास इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल है या फिर बैटरी वाला टूल्स है तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम थोड़ा इजीली हो जाएगा। नहीं तो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इस चीज को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है तो इसकी मदद से भी आप आपके ऑटो हिंजिस को वहां से निकाल के सॉफ्ट क्लोज लगा सकते हैं। तो बेनिफिट क्या है इससे, हमारा बेनिफिट ये है कि एक तो हमारा जो फर्नीचर है उसकी जो सर्विस है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। दूसरी बात, जो सेटिंग होती है, जो फिनिशिंग का अलाइनमेंट होता है, जो फिनिशिंग होती है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। अभी आप देख सकते हैं ये डोर, ये देखो ये इस तरीके से प्ले करता है, मतलब यहां पर आप अगर इसको टच करोगे तो ये हल्का सा डिप होगा, मतलब प्ले रहता है। सॉफ्ट क्लोज में ये चीज नहीं होती है, आप कहीं पे भी टच करोगे तो ये बब और ना ही ये डिप होगा। तभी डोर में आपको अलाइनमेंट चेंज मिल जाएगा, फ्यूचर में आपका अलाइनमेंट चेंज हो सकता है, इस तरीके से ऊपर नीचे हो सकता है या फिर हमारा डोर आधा बंद है आधा क्लोज हो सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम हमको सॉफ्ट सेल्फ क्लोज ऑटो हिंजिस में देखने को मिलती है इन फ्यूचर, मतलब बाद में, क्योंकि नया होता है तो तब तो हमको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जब वर्क करते जाते हैं तो डस्ट होने के कारण या उसका स्प्रिंग जो होता है अंदर मैकेनिज्म जो होते हैं छोटे छोटे पार्ट वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारा सेल्फ क्लोज ऑटो हिंजिस
खराब हो जाता है, फिर लास्ट में हमको चेंज ही करना पड़ता है। अगर आप ऐसा कराने का सोच रहे तो एक बार सॉफ्ट क्लोज ऑटो हिंजेस को उपयोग करके देखे तो आपका जो फर्नीचर है वो काफी अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर हमारे ऑटो हिंजेस बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो अगर आपके भी प्रॉब्लम ऐसी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि अननोन ब्रांड को छोड़ के किसी भी एक अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के ब्रांड का ऑटो हिंजेस उपयोग में लीजिए, उसकी काफी अच्छी सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। कम से कम 5 ईयर्स वारंटी तो आपको मिल ही जाएगी एक स्पेशल ब्रांड के अंदर, अननोन ब्रांड में आपको वारंटी वगैरह नहीं मिलती है। हालांकि अननोन ब्रांड के अंदर भी आपको एक प्रीमियम क्वालिटी ऑटो इंजन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फाइंड करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि कौन से वाला ब्रांड का ऑटो इंजन सबसे बेस्ट है, अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको स्पेशल वाले ब्रांड के ऑटो इंजन के बारे में अगर जानना है तो प्लीज लाइक कमेंट और फॉलो जरूर करें हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।